हेलो फ्रेंड्स, अब सर हम स्मोकिंग की लत को बड़ी आसानी से अपना तो लेते हैं, लेकिन उसे दूर करने के लिए हमें काफी जतन करने पड़ते हैं। इसीलिए मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी टिप्स और हर्ब्स जिनका इस्तेमाल करके स्मोकिंग करने की लत को आप आसानी से छोड़ सकते हैं। तो आइए बिना किसी देर के जानते हैं उन टिप्स के बारे में। नंबर वन है अजवाइन। जब भी सिगरेट पीने की या फिर तंबाकू खाने की तलब लगे तो आप अपने मुंह के अंदर थोड़ी सी अजवाइन रखे उसे खाएं। शुरू में आपको काफी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे और अगर आप सच में सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो आपको काफी आसानी होने लगेगी और धीरे धीरे आपकी स्मोकिंग करने की लत भी छूट जाएगी। टिप नंबर टू है दालचीनी। स्मोकिंग करने के टाइम पर यदि आप स्मोकिंग और सिगरेट की बजाय अपने मुंह के अंदर दालचीनी का टुकड़ा डालें तो ऐसा करने से भी आपको काफी मदद मिलेगी। नंबर थ्री, कॉपर के ग्लास में रखा हुआ पानी का सेवन करें। जी हाँ, यदि आपको पानी पीने की इच्छा होती है तो अपने पास एक कॉपर का लोटा या फिर ग्लास रख लीजिए और अपने पीने के पानी को उसके अंदर स्टोर कर लीजिए, क्योंकि कॉपर के संपर्क में आते ही पानी जब भी आप पीते हैं तो आपके शरीर के विषैले पदार्थ सारे दूषित पदार्थ निकल जाते हैं, साथ ही साथ सिगरेट पीने की तलब भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। टिप नंबर फोर है त्रिफला। रात को सोने से पहले रोजाना त्रिफला का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसा करने से आपकी तंबाकू या फिर सिगरेट की लत छोड़ने में आपको काफी सहायता मिलेगी। नंबर फाइव है तुलसी के पत्ते। रोजाना 2 से 3 तुलसी के पत्तों को चबाने से सिगरेट और तंबाकू खाने की तलब कम से कम होने लगती है। इसीलिए यदि आप सिगरेट और तंबाकू छोड़ना चाहते हैं तो रोजाना 2 से 3 तुलसी के पत्तों को चबाना शुरू करें। नंबर सिक्स है अश्वगंधा। इसे आप डॉक्टर के परामर्श से ही लें, क्योंकि अश्वगंधा काफी गर्म होता है और ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी है। लेकिन अगर आप सिगरेट और स्मोकिंग की लत को छोड़ना चाहते हैं तो भी आप डॉक्टर का परामर्श लेके अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी हर्ब्स जिनका इस्तेमाल करके आप स्मोकिंग की लत से अपने आप को छुटकारा दिलवा सकते हैं। इन सारे टिप्स को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।